महाराष्ट्र के लातूर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ के नजदीकियों के घर दफ्तर पर मारे गए आयकर विभाग के छापों को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कल परसों कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोट निकले हैं। नोट से वोट खरीदने का यह पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। यह पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, लेकिन वोट कहां से निकले, असली चोर कौन है? वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताते हुए पीएम ने कहा कि ये केवल कांग्रेस के वायदे हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए वायदे वही हैं जो पाकिस्तान चाहता है। इसी विस्तार को विश्वास देते हुए संकल्पित भारत, सशक्त भारत बनाने का संकल्प हमने देश के सामने रखा है। साथियों, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इसी भावना पर नए भारत के निर्माण के लिए हम देश के जन जन, देश के हर नागरिक की भागीदारी चाहते हैं। एक तरफ हमारी नीति और नियत है और दूसरी तरफ हमारे विरोधियों का दोहरा रवैया है।